Student, good afternoon to everyone. Today I will start your 13th chapter of mathematics. Your chapter is averages. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर सेटिंग पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना होगा एवरेज के बारे में. एवरेज क्या होता है? तो एवरेज किसको कहते हैं? जब भी कोई एवरेज जब भी हम फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नंबर्स दिए हैं वो सिमिलर क्वांटिटी के होने चाहिए. अगर नंबर 10 सेंटीमीटर है तो सब नंबर 10 सेंटीमीटर में ही होना चाहिए. अगर मीटर में है तो सब मीटर में होनी चाहिए. अगर रुपीज़ में दिया हो क्वांटिटी तो रुपीज़ में ही होना चाहिए. मतलब सिमिलर क्वांटिटी का होना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं. फॉर एग्जांपल के रूप में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. मान लेते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल दिया है, दो स्टिक्स यहाँ दिए हैं, टू स्टिक्स दिए हैं ना. यहाँ पे कितने स्टिक्स दिए हैं? देयर आर टू स्टिक्स. वन ऑफ देम 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अदर 50 सेंटीमीटर. अब कह रहा है कि ये दो स्टिक्स दिए हैं, पहला जो स्टिक है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है और दूसरा 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है. अब इसी का पूछ देगा फाइंड द एवरेज लेंथ. दोनों का एवरेज लेंथ की बताइए कितना होगा. तो एवरेज लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले जो दो क्वांटिटी दिए होते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. ऐड करने के बाद कितने टोटल नंबर दिए हैं, 1, 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो हमको उसका क्या एवरेज लेंथ पता चलेगा कि हाँ एवरेज में इसका लेंथ कितना होगा. तो देखिए यहाँ पे जब दोनों को ऐड किए हैं तो कितना है, 120 सेंटीमीटर. और कितने नंबर्स थे, तो 1, 2. तो 2 से क्या करेंगे, जितने नंबर्स होंगे, 3 होंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 रहेंगे नंबर होंगे तो 4 से डिवाइड. तो 2 नंबर्स थे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज पता चल जाएगा कि इसका एवरेज लेंथ कितना होगा. तो एवरेज लेंथ कितना होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा. इसका भी सिक्स एवरेज मानेंगे कि जो स्टिक था उसका एवरेज लेंथ है 60 सेंटीमीटर है. तो इस तरह हम क्या कर लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं. इसका फार्मूला भी होता है एवरेज निकालने का. क्या करते हैं, द सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइडेड द नंबर ऑफ क्वांटिटी. मतलब जो नंबर्स दिए हों उसको ऐड कर लेते हैं, और ये कितनी बार दिए हैं उससे हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आपके क्लास में बच्चे हैं, सही बच्चे हैं ना, तो कि एज लेते हैं, किसी का एज कोई 10 ईयर का है, कोई 12 ईयर का है, कोई 15 ईयर का है, कोई 16 ईयर का है. आपके क्लास में बच्चे हैं, तो अगर हम उसकी पूछें कि बताइए कि उसकी एवरेज एज कितना होगा आपके क्लास का, तो कैसे निकालेंगे. तो जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए कि कोई 10 है, कोई 12 है, तो अब हम उनका एवरेज एज पूछे तो सबको क्या करना पड़ेगा, पहले जितने मान लीजिए 4 स्टूडेंट का लिए, कोई 10 है, 12 है, एक का 13, एक का 14, सबको पहले ऐड कर लेंगे. और कितने स्टूडेंट है, 4, तो जितना ऐड करने में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो उसकी हमको क्या मिल जाएगी, एवरेज एज मिल जाएगी. इस तरह हम किसी चीज़ का क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं. अब क्वेश्चन को देखते हैं. एक्सरसाइज 41 लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट का ये लिखा है द एवरेज ऑफ 2 और 4 का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है. तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो बोले थे द सम ऑफ क्वांटिटी, इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, और कितना, और फिर क्या करेंगे, द नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने नंबर दिए, 1, 2. तो 4 और 2 को पहले ऐड करेंगे, कितना आएगा, जैसे 2 + 4. और कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी दिए, तो 1, 2 / 2. अब पहले ऐड कर लेंगे 2, 4, 6. और 6 और 2 क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने दिए हैं, 2 ही नंबर दिए हैं, तो 1, 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया. अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 6 कितनी बार में जाएगा, 2, 3 + 6. तो एवरेज उसका नंबर क्या आएगा, 3 आएगा. तो ऐसे निकालेंगे. तो देखिए ये आपका फार्मूला है एवरेज निकालने का. द सम ऑफ द क्वांटिटीज, मतलब जो नंबर दिए हैं उसको क्या करना है, जितने भी नंबर दिए हैं पहले ऐड कर लेंगे, फिर द नंबर ऑफ द क्वांटिटी, और जो नंबर ऑफ कितनी बार वो नंबर होंगे उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. मतलब इससे ऐसे लिख सकते हैं उसको, द सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड द नंबर ऑफ क्वांटिटी. मतलब क्वांटिटी का ऐड करने के बाद और कितने हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो फिलअप का फर्स्ट ए का देख लेते हैं कैसे. तो पहले फार्मूला लिखेंगे, एवरेज इसका निकालना है, तो एवरेज लिखेंगे. एवरेज लिखेंगे द सम ऑफ
द क्वांटिटीज अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ द क्वांटिटीज, बस इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब द सम ऑफ क्वांटिटीज क्या लिखना है, ये इस दोनों का सम 2 + 4, अपॉन का साइन है तो अपॉन का साइन है, और ये द नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, मतलब ये जो नंबर है कितना नंबर दिया है, 1 2, दो ही नंबर दिया ना, नीचे क्या लिख देंगे 2। अब पहले ऐड कर लेते हैं, तो 4 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर अपॉन 2, और 2 से 6 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब क्या होता है 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 2 3 6, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब ये सॉल्व कर लेंगे तब यहाँ पे आप फिल करेंगे। फर्स्ट का भी देखते हैं, तो जिस तरह ये सॉल्व किए हैं सेम उसी तरह आपको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, टू फाइंड द एवरेज ऑफ 7, 8 and 9 वी डिवाइडेड डैश बाई 3। अब यहाँ पे आपको एवरेज नहीं निकालना है, किस नंबर का एवरेज निकालना है वो यहाँ पे राइट करना है। तो कैसे पता चलेगा किस नंबर का एवरेज निकालना है, तो जो नंबर दिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 7 में ऐसे ऐड कर लेंगे, 7 + 8 + 9, जब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 7 8 15 15 9 24, तो 24 का क्या निकालना है आपका, बस एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे बस फिल क्या हो जाएगा 24। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, टू फाइंड द एवरेज 35 kg, 41 kg और 56 kg, वी डिवाइडेड 132 को किससे डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए टोटल सम इसका दे दिया है, इसका और ये तीनों का सम दे दिया है 132, आपको किस नंबर से डिवाइड करना है, तो कितने नंबर हैं 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 राइट बस कर देंगे, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। तो फर्स्ट 2 का ये देखते हैं, द एवरेज ऑफ 84 लीटर है, एल का मतलब फुल फॉर्म लीटर, 84 लीटर एंड 96 लीटर। तो आपको बताया था कि एवरेज भी निकालते हैं तो सेम क्वांटिटी का, मतलब सेम नंबर, अगर लीटर में तो लीटर में होना चाहिए, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही होना चाहिए सारा नंबर। तो अब देख रहे हैं और क्या करते हैं, अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं तो दोनों को सम करके किससे डिवाइड करते हैं, 2 से ही, क्योंकि नंबर भी कितने दिए हैं 2, तो 2 से, तो मतलब ये क्या है हमारा 2 है, सही दिया है। इसी तरह हम सॉल्व करते हैं, अब बी देख लेते हैं, द एवरेज ऑफ 20 km and 30 kg, तो ये देखिए ये किलोमीटर में है और ये केजी में है, तो ये सेम क्वांटिटी है नहीं है ना, देखिए एवरेज तो ऐसे ही फाइंड करें लेकिन ये क्वांटिटी क्या है सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा रॉन्ग हो जाए, क्योंकि अगर ये किलोमीटर में तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए, अगर ये केजी था तो ये भी केजी में होता, तब यह क्या होता ट्रू हो जाता, इसलिए क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा, तो इस तरह कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग, अब इस सबका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है सबका, तो सबको सम करके देखिए दो दो डिजिट दिया, सम कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, सम करके 2 से डिवाइड कर दिए, सम करके 2 से डिवाइड कीजिए, तो एक हम बता देते हैं, उसी तरह बी और सी सॉल्व कर लेंगे। उसी में 4 में अब यहाँ पे 3 डिजिट दिया, तो तीनों को सम करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, तो ए बता देंगे, उसी तरह बी और सी सॉल्व कर लेंगे। उसी का क्वेश्चन नंबर 6 का हम ए बता देंगे, आप लोग बी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में तो एवरेज का फाइनल फार्मूला लिख लेंगे, द एवरेज ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो सम निकालेंगे, सम का मतलब ऐड कर लेंगे, 10 + 16 हो गया, अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी का कितना नंबर है 1 2, दो नंबर दिए हैं 2 राइट कर देंगे, दोनों को पहले सम निकालेंगे, तो 10 में 16 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 अपॉन 2, और 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 2 से 26 कितने टाइम जाएगा, तो वाले 1 डिजिट तो 1 ले लेंगे, 2 1 जा 2 0 6 नोट करेंगे, 2 3 जा 6 कितने टाइम्स 30 टाइम्स में चला गया, तो उसको काट के क्या लिख देंगे, जो आपका एवरेज आ जाएगा कितना आ जाएगा, दोनों नंबर का एवरेज 13 आ जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या क्या करना है एवरेज निकाल, तो एवरेज वही फार्मूला सेम रहेगा सबका, एवरेज निकालेगा द सम ऑफ द क्वांटिटी
अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम पहले निकाल लेते हैं, 4 + 11 + 12 अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने हैं, नंबर 1, 2, 3 राइट कर देंगे। ऐड करते हैं 2, 1, 3, 3, 4, 7, 1, 1, 2 27 हो जाएगा। 11, 12, 4 को ऐड करेंगे 27 अपॉन 3। अब 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 3, 9, 27 तो एवरेज क्या आ जाएगा, तीनों नंबर का एवरेज 9 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ये देखते हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर दिया, अब इस 4 नंबर क्या क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो 15 दिया है, 27 दिया है, 18 और 40। तो बस फार्मूला वो लिखेंगे पहले, एवरेज निकालेंगे, एवरेज वही द सम ऑफ द क्वांटिटी अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखना स्टार्ट करेंगे। 15 + 27 + 18 + 40 अपॉन कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4 4 राइट, जितने नंबर होंगे उसको नीचे राइट कर देंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गए। अब सबको ऐड कर लेते हैं, तो 0, 8, 80 हो जाएगा, 8 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 का 0 हो गया, 2 कैरी, 4, 1, 5, 7, 8 और 2 कैरी था 10, मतलब 100 अपॉन 4। आप लोग सामने सामने भी क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख, अगर ऐसे नहीं ऐड कर पाया तो सामने सामने ऐसे लिख कर क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। इस तरह भी ऐड करेंगे तो इतने 20 का 0, 2 कैरी, 4, 2, 6, 7, 8, 2, 10 100 आ जाएगा, 100 ऐड कर देंगे। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते देखते हैं 4 से कितनी बार में 100 जाता है। तो 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लेंगे तो नहीं जाएगा, तो 2 डिजिट लेना पड़ेगा, तो 4, 1, 4, 4, 2, 8 हो जाएगा। 0 में से नहीं आया, बोरिंग लेना पड़ेगा, 10 में से 8 गया 2, 0 और 2, 5 = 20 कितने टाइम्स चला गया 4 से, 25। तो एवरेज नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 25, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस एवरेज कितना भी हो, एवरेज आपको क्या करना है, सेम इसी तरह क्या करना है, निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 का है द फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर। पहले इसका करें, किसका एवरेज निकालना है, फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर का। तो फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर का स्टार्ट कैसे होता है, तो फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर हमारे होता क्या है, तो पहला 1, दूसरा 2 और थर्ड हमारा क्या होता है, 3। फर्स्ट यही 3 ना काउंटिंग नंबर होते हैं, इसी का क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज लिखिए द सम ऑफ द क्वांटिटी लिखेंगे तो मतलब इसका सम, वही फार्मूला है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप लोग फार्मूला लिख के ही कीजिएगा। 1 + 2 + 3 3 डिजिट है, 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ऐड कर लेते हैं, 5, 6, 6 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3, 2 = 6 एवरेज नंबर क्या आया, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, द एज ऑफ 5 चिल्ड्रेन आर 13, 15, 11, 9 and 8 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड देयर एवरेजेस। कह रहा है कि 5 चिल्ड्रेन है, पहले का फर्स्ट का जो दिया है उसका एज वो 13 साल का है, सेकेंड जो 15 है, थर्ड है 11 ईयर का है, और फोर्थ वाला 9 ईयर का है, और 8 ईयर का है। तो इसका क्या करना, हमको एवरेज निकालना है। तो बस क्या करेंगे, ऐसे जो पहले क्या करेंगे, जो ईयर्स दिए हैं उसका सम निकालेंगे, द सम ऑफ द 5 ईयर्स जो दिए उसका क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। एक दिया 13, 15, 11, 9 और 8, फिर कितने चिल्ड्रेन है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो एवरेज वैसे निकालते हैं ना, क्या फार्मूला था, द सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन द नंबर ऑफ द क्वांटिटीज 13 + 15 + 11 + 9 + 8 कितने स्टूडेंट हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5 चिल्ड्रेन है, सॉरी 5। अब सम निकाल लेते हैं, 8
नाइन वन टेन एटीन, एटीन एटीन में फाइव ऐड करिए, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री में थ्री ऐड कीजिए, थ्री ऐड करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स का सिक्स राइट करेंगे, वन टू थ्री, थ्री टू टू कैरी था फाइव, फिफ्टी सिक्स हो जाएगा अपॉन फाइव, फाइव से डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, वन टाइम्स आएगा फाइव, वन सा फाइव, जीरो सिक्स नोट करेंगे, अब कितनी बार में जाएगा, वन ही बार में जाएगा, फाइव वन सा फाइव, वन आ गया, अब वन आ गया तो कैसे होगा, पॉइंट लगाए क्या लेंगे, क्योंकि पूरा डिवाइड करना है, पॉइंट लगाए हम जीरो ले लेंगे, अब देखें कितनी बार में जाएगा, टू बार में, तो हमारा जो एवरेज है 11.2, ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एवरेज उनका ईयर का एज है 11.2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर एट भी सॉल्व हो जाएगा, नाइन भी, टेन, केवल इस एक्सरसाइज में हमको क्वेश्चन नंबर टेन तक क्या करना था, सॉल्व करना था, यहीं तक क्या कर लेंगे सही बच्चे, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे।